हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आया हूं इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था क्लाउड किचन से रिलेटेड, कि आप कैसे क्लाउड किचन ओपन कर सकते हैं और एग्जैक्टली क्लाउड किचन मॉडल जो है ये किस तरीके से काम करता है। और उस वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिया और आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर डिटेल में इस वीडियो को बताइए, डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि क्लाउड किचन कैसे हम ओपन कर सकते हैं, किस किस तरीके के बेनिफिट्स होते हैं और सारी चीज़ें हमें बताइए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में क्लाउड किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ क्लाउड किचन से रिलेटेड आपको बताऊंगा। सो अगर आप एक F&B बिजनेस करना चाहते हैं, फूड एंड बेवरेज का बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, सारे तरीके यहाँ पर हम वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में इस वीडियो में क्लाउड किचन के सारे इक्विपमेंट आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं क्लाउड किचन शुरू करने से पहले, और उन इक्विपमेंट का प्राइस भी आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन बिना इक्विपमेंट के कैसे इस काम को कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ वीडियो की शुरुआत में, दोस्तों ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो हम मैनुअली नहीं कर सकते। अब मशीन्स क्या करती हैं, मशीन हमारे काम को बस थोड़ा सा आसान करती हैं और हमारे टाइम टेकिंग को कम करती हैं। यानी कि जो काम हम मैनुअली करते हैं, अगर उसमें हमें 4 घंटे लग रहे हैं तो मशीन वही चीज़ 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में कर देगी। सो बस ये बेनिफिट होता है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप एक क्लाउड किचन खोल रहे हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही लाखों का किचन सेटअप करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप इसको कम इक्विपमेंट के साथ और बिना इक्विपमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। सो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा एंड इन्वेस्टमेंट भी आपको बताने वाला हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगने वाला है, और सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं बेसिकली क्लाउड किचन के बारे में। सो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा वीडियो के अंदर चलते हैं और सारी चीज़ को डिटेल में समझाता हूँ। सो अगर आप कोई भी फूड बिजनेस करने वाले हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, रिक्वेस्ट है मेरी। चलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और क्लाउड किचन के बारे में बहुत डीप नॉलेज आपको दूं, उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में आप फूड बिजनेस को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अब जिसके पास जितना बजट होता है वो उतने बजट से अपने फूड बिजनेस को स्टार्ट करता है। देखिए दोस्तों, फूड बिजनेस को अगर हम कुछ एक कैटेगरीज में बांटें तो आप अपना फूड कार्ट खोल सकते हैं, आप फूड वैन खोल सकते हैं, आप फूड ट्रक खोल सकते हैं, इनमें थोड़ा सा खर्चा आपका कम आएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप एक क्लाउड किचन खोल सकते हैं, इसमें भी आपका खर्चा कम आएगा। आप अपना मिनी कैफे खोल सकते हैं या फिर आप अपना फुल फ्लेज रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जिसमें कि आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, या फिर आप अपना एक मॉडर्न कियोस्क खोल सकते हैं। अब मॉडर्न कियोस्क होता है तो इसकी आपने स्टैंडर्ड वे में एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ आप काम कर रहे हैं और आपने एक बहुत ही लुक वाइज अच्छा एक कियोस्क काउंटर खोल लिया किसी बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्केट में, यानी कि मॉल में खोल लिया आपने या किसी सुपरमार्केट के अंदर आपने एक वुडन का काउंटर जो इस तरीके के आपको देखने को मिलते होंगे, इस तरीके का काउंटर लगाकर आप अपने F&B बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कार्ट खोलना है, फूड वैन खोलनी है, फूड ट्रक खोलना है, क्लाउड किचन खोलना है, या फिर आपको एक मॉडर्न कियोस्क खोलना है, या फिर आपको एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट खोलना है। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सारी कैटेगरी को साइड करते हैं, हम पकड़ लेते हैं आज क्लाउड किचन को और क्लाउड किचन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक क्लाउड किचन ओपन करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सिर्फ बोलेंगे कि क्लाउड किचन ओपन करने के लिए आपको ये इक्विपमेंट चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, कभी भी क्लाउड किचन को खोलने से पहले आप इक्विपमेंट मत खरीदो। सबसे पहला काम होता है क्लाउड किचन को ओपन करने से पहले कि आप अपना मेन्यू डिसाइड करें कि एग्जैक्टली आप अपने क्लाउड किचन में बेचने के वाले हैं। आप पूरी वीडियो देख रहे हो किसी की, आप क्लाउड किचन में ये इक्विपमेंट लगते हैं, भाई आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शेक्स का, स्मूदीज का, आइसक्रीम्स का काम कर रहे हो तो आप कुकिंग रेंज लेने का कोई मतलब नहीं बनता, उसमें बहुत बड़ी प्रिपरेशन टेबल लेने का मतलब नहीं बनता। फिर आपके जो इक्विपमेंट है वो कंप्लीटली अलग हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप जूस, शेक्स, स्मूदीज़ का, आइसक्रीम्स का बिजनेस कर रहे हैं तो। और वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इंडिया में बहुत सारे कुजींस में लोग काम करते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने क्लाउड किचन में बेचने के वाले हैं। लाइक आप इंडियन कुजीन बेचने वाले हैं, आप इटालियन बेचने वाले हैं, आप चाइनीज़ बेचने वाले हैं, या फिर आप कॉन्टिनेंटल बेचने वाले हैं, या फिर आप दोस्तों फास्ट फूड बेचने वाले हैं, या आप किसी और तरीके का मेन्यू प्रोडक्ट रख रहे हैं। अब इंडियन मेन्यू में भी अगर आप मेनली डोसे पे फोकस है आपका, तो आपको डोसा तवा चाहिए होगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके क्लाउड किचन के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो आपके सिलेक्शन ऑफ क्यूजीन पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप इंडियन फूड बेचने वाले हैं सो आपको एक नॉर्मल किचन सेटअप चाहिए होगा, जो आइडियली हम सबके घर पे होता है उस तरीके का सेटअप। इक्विपमेंट में आगे आपको सारे बताने वाला हूँ, और देखिए मोस्टली इक्विपमेंट सेम होते हैं बट कुछ एक चीज़ों में वेरिएशन होता है। अब अगर आप इंडियन कुजीन बेच रहे हैं और उसमें आप डोसा रख रहे हैं तो आपको डोसा तवा भी चाहिए होगा, अगर आप नहीं रख रहे हैं तो नहीं चाहिए होगा। इनफैक्ट अगर आप चाइनीज़ फूड बेचने वाले हैं सो वहाँ पर आपको चाइनीज़ कुकिंग रेंज भी चाहिए होगी, यानी कि चाइनीज़ भट्टी चाहिए होगी। बेसिकली उस भट्टी में जो कढ़ाई, आपकी चाइनीज़ जो कढ़ाई होती है उसमें एक
इक्वली टेम्परेचर आता है, इक्वली हीट आती है। सो आपको चाइनीज कुकिंग रेंज भी चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आप इटालियन फूड सर्व करने वाले हैं सो हो सकता है आपको बड़ा डीप फ्रीजर लेना पड़े क्योंकि वहाँ पर आपको फ्रोजन फूड ज़्यादा रखना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है क्योंकि जब आपका कुजीन डिसाइड हो जाएगा उसके बाद ही आप इक्विपमेंट सेलेक्ट कर पाओगे। अब मान लीजिए मेरे को एक क्लाउड किचन खोलना है, हम थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। अगर मुझे क्लाउड किचन खोलना है सो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मैं मेन्यू प्रिपेयर करूँगा कि भाई मेरे को बेचना क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, देखिए अगर मेरे को इंडियन मेन्यू रखना है तो इंडियन मेन्यू में मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे तब पता चलेगा। जब तक मैंने सेलेक्ट नहीं किया है तो मैं इक्विपमेंट सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। तो सबसे पहला काम होता है मेन्यू डिसाइड का, वो आप कर लो। उसके बाद दोस्तों जब आपका मेन्यू डिसाइड हो गया ना, अब मान लीजिए आप बिरयानी बेचने वाले, तो बिरयानी मेन्यू डिसाइड होने के बाद आपको ये देखना है कि आपको बिरयानी की पैकिंग कैसे करनी, क्योंकि यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट में कोई नहीं आने वाला है। आपका रेस्टोरेंट इस तरीके का नहीं है, फिजिकल स्टोर नहीं है आपका। सो कस्टमर की विजिबिलिटी आपके साथ नहीं होने वाली है, कस्टमर आपके विजिबल स्टोर को नहीं देखने वाला है। कस्टमर यहाँ पर देखेगा PQTQ। अब PQTQ है पैकिंग क्वालिटी टेस्ट एंड क्वांटिटी। आपके प्रोडक्ट की पैकिंग किस तरीके की है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरीके की है, आपके प्रोडक्ट का टेस्ट किस तरीके का है, और आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी आप सर्व कर रहे हैं। सो कस्टमर बस इतनी चीज़ देखेगा, कस्टमर आपका फिजिकल स्टोर नहीं देखने वाला है। सो यहाँ पर आपको करना क्या, अपनी जो पैकिंग है ना उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। और आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं बिरयानी बेचने वाला हूँ, तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि इसकी पैकिंग किस तरीके से होगी। देखिए बहुत सारे लोग इस पर काम करते हैं, पूरी R&D करते हैं कि बिरयानी की मेकिंग किस तरीके से होगी, SOP हम क्रिएट करेंगे, और SOP क्रिएट करने के बाद हम बिरयानी को सर्व किस तरीके से करेंगे, बिरयानी को हम किन किन चीज़ों के साथ सर्व करेंगे। जो भी अब इनफैक्ट आपके सारे ऑर्डर टेक अवे ही होने वाले हैं, सब कुछ आपको पैक ही करके देना है। सो पैकिंग में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, आप बॉक्स में पैक करके देने वाले हैं, या आपका जो फूड है वो पन्नी में जाने वाला है, आप बिरयानी को डब्बे में पैक करने वाले हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस में पैक करने वाले हैं, या फिर आप उसको हांडी में पैक करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। इनफैक्ट बिरयानी के साथ आप एक्स्ट्राज में क्या देने वाले हैं, यानी कि आप चटनी देने वाले हैं, आप सालन देने वाले हैं, आप बूंदी रायता देने वाले हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा आप स्पून देंगे, फोक देंगे, नैपकिन्स देंगे, एंड इनफैक्ट अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं जो माउथ फ्रेशनर भी देती है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं ना, आप कोई भी फूड सर्व करते हैं, आप माउथ फ्रेशनर के सैशे जरूर दे दो यार। छोटे छोटे जिस तरीके के पास के बाबा इलायची के जो सैशे आते हैं, इस तरीके के आप एक एक रुपए वाले सैशे बनवा सकते हो किसी भी कंपनी से अपनी ब्रांडिंग के साथ, और उनको सर्व कर सकते हो। तो बहुत अच्छा एक इंपैक्ट आता है क्योंकि फूड खाने के बाद डेफिनेटली आपका जो कस्टमर है वो माउथ फ्रेशनर लेगा। सो इस चीज़ को जरूर ऐड ऑन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये PQTQ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, पैकिंग क्वालिटी टेस्ट एंड क्वांटिटी। अब ऐसा ना हो कि भैया आपके एरिया में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 500 रुपये में 1 kg बिरयानी सर्व कर रहे हैं चिकन की, और आप 500 रुपये में 600 ग्राम सर्व करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि यहाँ पर इंडिया में प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं, उनको वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली चाहिए होती है। वो ऑर्डर करने के बाद जब फूड आता है तो सबसे पहले उसकी पैकिंग देखते हैं, उसके बाद क्वालिटी देखते हैं फूड की, उसके बाद टेस्ट देखते हैं, और उसके बाद क्वांटिटी ज़रूर चेक करते हैं कि यार कितना आया था। हम वहाँ से मंगाते तो हम 2 लोग बिरयानी खा लेते थे, इसका मंगाया तो यार हम एक ही बंदा खा पाया है और ढंग से पेट नहीं भरा है। सो वैल्यू फॉर मनी ज़रूर सर्व करो अपने सारे कस्टमर्स को। क्लाउड किचन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, और तभी आपका क्लाउड किचन जो है वो ग्रो कर पाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लाउड किचन की होती है, आपको आप जिस भी प्लेटफॉर्म जिस भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपने फूड को सेल करने वाले हैं उनके साथ टर्म्स अच्छे बनाइए ताकि आपके ऑफ़र और डिस्काउंट के लिए वो खुद आपको फ़ोन करके बोले उनके मैनेजर कि भैया आपके में ऑफ़र लगवा दें, आपके में डिस्काउंट ऑफ़र चलवा दें। तो आप उनसे देखिए जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना उनसे फैमिली टर्म्स रखो, उनसे बात करते रहो यूजुअली, और उनसे गाइडेंस भी लेते रहो अगर आप नए हो तो, क्योंकि वो लोग आपको काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्लाउड किचन खोल रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस का एक सेलफोन अलग खरीद लो। मैं यहाँ पर देखिए क्लाउड किचन के लिए आपको किसी भी तरीके की पॉज मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप एक एटलीस्ट स्मार्टफोन खरीद लो, उसमें कंपनी के लिए अलग से सिम डाल दो और वो डेडिकेटेडली उसी काम में आए। आपके क्लाउड किचन से मतलब क्लाउड किचन पे जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो उसी सेलफोन में आए, क्योंकि जब इनिशियल स्टोर में मेरा स्टोर था और वो जोमेटो में लॉगिन था तो होता ये था कि जो फ़ोन रजिस्टर थे ऑर्डर के लिए वो मेरे फ्रेंड का था, पर्सनल नंबर था, और वो कभी अगर शॉप पर नहीं आया या फिर अगर वो मार्केट में कोई सामान खरीद रहा है सो ऑर्डर वहाँ पर जाते थे। इनफैक्ट हमने 2 नंबर रजिस्टर करवा रखे थे, सो जो ऑर्डर था वो दोनों नंबर पे आता था। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, आप एटलीस्ट 2 नंबर आई थिंक रजिस्टर करवा सकते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे, सो ऑर्डर जो है वो दोनों नंबर पे आएगा। सो पहले ही एक फ़ोन ले लो, उसमें सिम ले लो, और उसको बिजनेस के नाम से रजिस्टर करके अपने सेलफोन को
उसी काम के लिए डेडिकेटेडली यूज़ करो, जितने भी ऑर्डर्स आएँ डायरेक्टली आप उसको प्रिपेयर कर सकें एंड उनके बाद आप उसको सब कुछ चेक भी कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ जो आइडली हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं दिन भर काम किया और शाम को बस अपना पैसा गिना और बस मज़े से सो गए कि यार बहुत पैसा आज हमने कमा लिया। मैं आपको कहूँगा कि आपको फिजिकल रिकॉर्ड ज़रूर रखना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पर बिलीव नहीं करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो आपके सेल को ट्रैक कर सकती हैं, आप उन पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, जितने ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं ना, आपने लिख दिया संडे और संडे लिखने के बाद आपने कितने का सेल टोटल आज किया है और कितने ऑर्डर्स आपके पास आए वो आप ज़रूर लिखो, और पर ऑर्डर की वैल्यू भी आप लिख सकते हो कि पहला ऑर्डर कितने का आया। देखिए जब ऑर्डर चला गया ना तब आपके पास फ्री टाइम है, आप लिखो ऑर्डर नंबर वन, उसमें आपने लिख दिया टोटल वैल्यू कितने का, 540 का ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर नंबर टू जैसे ही आया आपने उस पर लिख दिया कि हाँ ये 610 का हुआ है या 1010 का हुआ है, जितना भी आ रहा है। उसके बाद आपने टोटल सेल लिख दी कि आज कितनी हुई है, उसमें जोमेटो का कमीशन कटने के बाद आपके पास आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कहीं ना कहीं देखिए हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो रही है और किसी भी कंपनी से गलती हो सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो। आपको क्या करना है, आप माल भेज रहे हो, आपका पैसा खर्च हो रहा है उस चीज़ में, सो आप ट्रैक करो और कितने रिफंड होते हैं ये सारी चीज़ों को भी ट्रैक करो। इसके अलावा ये चीज़ आपको पता है कब बेनिफिट करेगी, जो आप फिजिकल डाटा रख रहे हो अपने पास, जो आप बुक कीपिंग कर रहे हो बेसिकली, ये आपको फ़ायदा करेगी जब आप प्रिडिक्शन करोगे अपने ऑर्डर्स का। यानी कि आपने एक महीना चला लिया ना स्टोर, जब अपना तो एक महीना स्टोर चलाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई संडे को हमारे पास कितने ऑर्डर आए थे, मंडे को कितने आए थे, ट्यूसडे को कितने आए थे, और जो हॉलीडेज थे उसमें हमारी सेल कितनी बढ़ी थी। अब ये चीज़ से आप अपने अगले महीने का जो फुटफॉल है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं बेसिकली कि अब आने वाले महीने में हमारी कितनी सेल होने वाली है। और ये चीज़ आपको हेल्प करती है आपके वेस्ट फूड को कंट्रोल करने में, आपका प्रोडक्ट आपका जो फूड है वो वेस्ट नहीं होता। क्योंकि आपको पता है यार मंडे में हमारे पास ऑन एन एवरेज पिछले महीने के 4 मंडे में हमारे पास भैया 40 ऑर्डर ही आए थे, सो आप 40 ऑर्डर की तरह प्रिपेयर करिए, आप उतना ही फूड प्रिपेयर करिए। आपको पता है कि भैया उस दिन यार दिवाली वाला दिन था, उस दिन कोई हॉलीडे था, सरकारी छुट्टी थी और लोग घर पे थे, उस दिन हमारा ऑनलाइन फूड बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए थे। सो आपको ये प्रिडिक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भैया फिजिकल इन्वेंट्री फिजिकल रिकॉर्ड सेल का चेक कर सकते हो और उनको लिख सकते हो। और हमें किस बात की शर्म आती है यार, गुजरात में बहुत सारे लोगों को मैं आज भी जानता हूँ जो इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद, क्योंकि गुजराती ना बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों में बिलीव कम करते हैं, और मैं काफ़ी सारे ऐसे गुजराती एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जो आज की डेट में भी बुक कीपिंग करते हैं, भाई अपने रिकॉर्ड्स को डायरी में नोट करते रहते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में बहुत सारे किराना स्टोर्स के भी ऑनर हैं जो कोई चीज़ ख़त्म होती है कस्टमर आके मांगता, देखते हैं नहीं मिली तो लिख लेते हैं। तो यार हम लिखना पता नहीं क्यों छोड़ते जाते हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ हमें बहुत ज़्यादा जितनी अच्छी हैं उतना ख़राब भी कर रही हैं। सो उस चीज़ का आप ध्यान रखो, आप लिखो यार, लिखने पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो, कोई दिक्कत नहीं यार, आपका 5 मिनट लगेगा बट ये फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लिख के अपनी चीज़ों को समझते जाओ। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इक्विपमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स पे, कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से इक्विपमेंट आपको खरीदने पड़ेंगे। और जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूँ, आप कंप्लीटली डिपेंडेंट मत होइए इक्विपमेंट्स पे। आप अगर कोई भी F&B बिजनेस शुरू करने वाले हैं ना, सो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरा लाखों का किचन सेटअप करना पड़ेगा मुझे, और ये सोच के आप ये कहो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो आप कम पैसे से शुरू ना कर सको, हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको टी शर्ट भी बनवानी है ना अपनी, सो आप टी शर्ट के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़रूरी नहीं है लगाएं, आप लुधियाना में या आप दिल्ली में जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं उन पर विजिट करो, उनके ऑनर से बात करके टाई अप करो, उनके साथ कोलैबोरेट करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो आपके ब्रांड नेम के साथ टी शर्ट्स प्रिंट करें, थोड़ा कमीशन उनको दो, थोड़ा अपने पास रखो और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करो। जब आपको लग जाए कि हाँ भैया मेरी टी शर्ट का मार्केट बहुत अच्छा हो चुका है, सेल मेरे पास बहुत अच्छी आ रही, कस्टमर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, सो फिर आपके पास पैसा भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि आप वो चीज़ें बेच रहे हो इतनी ज़्यादा, तो फिर आप छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो। सो इस तरीके से भी काम को किया जा सकता है। तो ये जो किचन है ना, यहाँ पर आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूँ आटा गूंदने की, तो आटा आप हाथ से भी गूंद सकते हैं और आप नीडिंग मशीन भी ले सकते हैं। तो फर्क बस इतना है कि अगर आप हाथ से गूंदते हैं 10 किलो आटा तो उसमें आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, और अगर आप मशीन से गूंदते हैं तो वो 10 मिनट में गूंद के दे देगी। सो ये है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप हाथ से गूंद नहीं सकते, आप मेहनत नहीं कर सकते, आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप शुरू तो करो। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मेरे भाई हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं बट बजट थोड़ा सा कम है। सो आप अपने पैसे को जोड़ो, अपने पार्टनर्स बनाओ अगर आप बना सकते हो तो, और उसके बाद अपने क्लाउड किचन को ओपन करके आप बिजनेस स्टार्ट करो। इनफैक्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और किचन सेटअप भी आप नहीं कर सकते, सो आप गर्मी आ चुकी है यार, जूसेस का, शेक्स का, स्मूदीज का, मॉकटेल्स का, इवन आप किसी भी तरीके के बिवरेज को, कोल्ड कॉफ़ीज़ के बहुत सारे फ्लेवर, लस्सी के बहुत सारे फ्लेवर, आप एक ऐसा
क्लाउड किचन ऐसा एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बिवरेज के नाम पे सब कुछ मिलता हो, एनर्जी ड्रिंक से लेकर डिलीशियस ड्रिंक सब कुछ। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किचन में खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है। जूसर मिक्सर ग्राइंडर ले लो यार, आपने छोटे छोटे कार्ड देखे होंगे जो एक छोटी सी जूसर मिक्सर ग्राइंडर की मशीन लेकर अपना अच्छा खासा जूसेस का धंधा कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर आप एक सिर्फ जूसर मिक्सर ग्राइंडर और छोटे मोटे आप इक्विपमेंट लेकर अपने जूसेस के, शेक्स के, मॉकटेल्स के, स्मूदीज के एंड लस्सीज के एंड कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर्स के बहुत सारे अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका काम चलने लगे फिर आप मेन्यू प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। सो ये भी एक तरीका है। अब बात कर लेते हैं इक्विपमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स की। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक किचन सेटअप करने के लिए एक SS कुकिंग रेंज चाहिए होगी, यानी कि स्टेनलेस स्टील की कुकिंग रेंज चाहिए होगी। अब यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को बांटें तो देखिए जो स्टेनलेस स्टील की कुकिंग रेंज होती है ये बहुत ज़्यादा महंगी आती है, और इसके कंपैरेटिवली आप भट्टी ले सकते हैं, देसी भट्टी। अब जो इन दोनों की जो बर्निंग की कैपेसिटी होती है ना, कि जो आग निकलती है ना इनसे, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। बट ये क्या होता है, ये देखने में थोड़ी अच्छी लगती है, अगर आपकी कोई किचन में विजिट करता है तो उसको एक अच्छा देखने को मिलता है नज़ारा। बट अगर आप एक भट्टी लेते हो तो थोड़ा सा मतलब सस्ता है वो बेसिकली। अब हम अगर प्राइस की बात करें तो ये जो कमर्शियल कुकिंग रेंज है स्टेनलेस स्टील की, ये 12,000 13,000 15,000 की स्टार्ट होती हैं दो भट्टी वाली, और बहुत ऊपर हाई एंड तक जाती हैं 35,000 40,000 की रेंज में भी आती हैं। और अगर हम बात करें दो बर्नर वाली भट्टी की तो ये 3,000 से 4,000 मैक्सिमम 5,000 में आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। तो आप कोई भी फूड सर्व करने वाले हैं, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, फास्ट फूड, कुछ भी आप बेचने वाले हैं, सो आपको कुकिंग रेंज तो चाहिए होगी। सो आप देख सकते हैं, आप चाहो तो भैया स्टेनलेस स्टील की कुकिंग रेंज ले सकते हो या फिर आप नॉर्मल भट्टी ले सकते हो। देखिए हर इक्विपमेंट के कंपैरेटिवली एक सस्ता माध्यम भी होता है इंडिया में, एंड हम इंडियंस हैं, जुगाड़ हमें हर फील्ड में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तंदूर की, अगर आप तंदूरी रोटी, तंदूरी चिकन कुछ भी सर्व करते हैं तो आपको तंदूर चाहिए होगा। सो आप स्टेनलेस स्टील का तंदूर ले सकते हैं, जो कि गैस ऑपरेटेड भी आता है और जो कि इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड भी आता है। अब इनका जो प्राइस है वो भैया 23,500, 21,500, 20,000 इस तरीके से होता है, और ये देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर होते हैं, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके कंपैरेटिवली, जो देसी हमारा जुगाड़ होता है, देसी जो तंदूर आपने देखे होंगे तो वो आपको 5,000-6,000 की रेंज में मिल जाएंगे। सो ये फ़र्क होता है। तो आपको देखना है कि आपको अपना किचन किस तरीके से स्टार्ट करना है, सस्ते से स्टार्ट करना है या आप पूरा मतलब अच्छा खासा पैसा लगाकर खर्च करने वाले हैं, पैसा लगाकर शुरू करने वाले हैं। अब पैसा लगाकर आप तभी शुरू करिए जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या फिर आप एक प्रोफेशनल शेफ हायर कर रहे हैं जिसके साथ आप भैया पार्टनरशिप में कर रहे हैं, या फिर आप उसको सैलरी बेसिस पर रख रहे हैं और आपको सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, तब तो आप भैया दबाकर खर्चा कर सकते हो, हर एक इक्विपमेंट भैया हाई एंड ले सकते हो। वरना ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट पर खर्चा किया, अपने पापा का मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा दिया उस पर, और उसके बाद आपको लग रहा है कि यार धंधा बहुत मुश्किल है ये, और ये लाइन मेरे लिए है नहीं, ये फील्ड ही मेरा नहीं है, मैं कपड़े बेचूंगा। सो इस तरीके से ना फिर आपके पास ये चेंज करने के लिए भैया टाइम नहीं रहता आपके पास, क्योंकि आप ऑलरेडी लाखों इन्वेस्ट कर चुके हो। फिर मजबूर होकर उस धंधे को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, धंधा वही करो जिसमें खुद का मन लगे। सो आप पहले अपने आप को समझ लो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये फील्ड सही है और मैं फूड बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो आप फिर अच्छे तरीके से एक हाई एंड इक्विपमेंट्स पर खर्च कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप अपने दिमाग से सोचिए कि आपको एक किचन सेटअप करने में क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। देखिए अगर आप फास्ट फूड रख रहे हैं तो आपको एक ग्रिलर चाहिए होगा, सो ग्रिलर का जो प्राइस है वो 10,000-12,000 और भी हाई एंड आपको मिल जाएंगे। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको हैवी ड्यूटी मिक्सर जूसर ग्राइंडर चाहिए होगा, अगर आप शेक्स का, स्मूदीज का, देखिए जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं ना, ये वाला मिक्सर जूसर ग्राइंडर नहीं चलेगा भैया, क्योंकि आप घर में कितनी बार यार पिसाई करते होंगे, कभी कभार, कभी चटनी बना ली, कभी आपने किसी चीज़ के लिए ग्रेवी बना ली। बट अगर आपका काम ही यही है तो भैया वो कंटिन्यू चलेगी मशीन आपकी। सो आपको एक हैवी ड्यूटी मिक्सर जूसर ग्राइंडर चाहिए होगा जिसका कि प्राइस भैया 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है, 10,000-12,000, और इससे अच्छी क्वालिटी लोगे तो 25,000-30,000 की रेंज में भी जाती हैं मिक्सर जूसर ग्राइंडर। इसके अलावा दोस्तों आपको माइक्रोवेव OTG चाहिए होगा। अब ये भैया 12,000-15,000 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, आपको देखना है कि आपको किस तरीके के ओवन की, किस तरीके के माइक्रोवेव की रिक्वायरमेंट है, वो आप खरीद सकते हो। इसके अलावा आपको SS प्रिपरेशन टेबल चाहिए होगी। अब इस टेबल को आप भैया, ये टेबल जो होती है 15,000-20,000 की आती हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप भैया इस पर इन्वेस्टमेंट करो, आप लकड़ी की टेबल पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखना है आपको किस तरीके से काम करना है, और स्टार्टिंग में अपने बजट को बहुत सोच समझ के खर्च करिए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी आपको, आप ये समझ के चलो क्लाउड किचन ओपन होने के बाद भी ना 3 महीने आपको उसको अपने पैसे से चलाना है, बस इतना समझ। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 6 महीने का मान के चलो कि 6 महीने नो प्रॉफिट नो लॉस, आपको वो अपने पैसे पर बस चलाते रहना है और उस पर इन्वेस्ट ही करते जाना है।
आप एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने बिजनेस से कि स्टार्ट होने के बाद बस मेरे पास 3 लाख है, 3 लाख रुपए का मैं पूरा किचन सेटअप करके उसको स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद तो यार ओपनिंग के बाद तो पैसा आने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। आप 6 महीने का बजट अपने पास लेकर चलो, लिक्विड कैश लेकर चलो। अगर आप 6 महीने का नहीं तो एटलीस्ट 3 महीने का लिक्विड कैश प्लीज़ अपने पास ज़रूर रखना, ताकि आपको ऑपरेशंस में दिक्कत ना आए आपके क्लाउड किचन ओपन होने के बाद। अब मैं फटाफट से आपको बताता हूँ क्या क्या और अदर रिक्वायरमेंट्स आपको पढ़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टेनलेस स्टील का स्टोरेज टेबल चाहिए होगा, इसके अलावा आपको डीप फ्रीजर डेफिनेटली चाहिए होगा। अगर आप किचन और फूड का काम कर रहे हैं तो डीप फ्रीजर की जरूरत तो आपको पड़ेगी, जो कि 25,000 से 30,000 की रेंज में आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सिंगल डोर या डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर जरूर लेना है, क्योंकि अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स को रखते हो या और भी काफ़ी सारी चीज़ों को रखते हो तो आपको रेफ्रिजरेटर में लगना है। अब डीप फ्रीजर जो है वो कन्वर्टिंग भी आते हैं, जिसमें कि आप उसको चिलर में और फ्रीज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जो आपका फ्रोज़न फूड होगा, अगर आपको कुछ आपके पास ऐसा फूड है जो फ्रेश फूड है, जैसे सब्जियाँ हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, तो उनको अगर आपको फ्रिज में रखना है तो आप डीप फ्रीज़र को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको फ्रोजन फूड ख़राब हो जाएगा। सो दोनों को अलग अलग आप रख लो, आपको एक डीप फ्रीज़र चाहिए होगा और एक आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा, दोनों में अलग अलग चीज़ें रखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको एक सेलफोन चाहिए होगा अपने सिर्फ और सिर्फ इस बिज़नेस के लिए ही। इस सेलफोन में सिर्फ बिजनेस के काम होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अपने इस फ़ोन के पास हमेशा अवेलेबल रहिएगा और कस्टमर की कॉल्स को पॉजिटिवली अटेंड करिएगा और रिस्पॉन्ड करिएगा। देखिए बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं, इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं जोमेटो में किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करता हूँ, सो जोमेटो में ऑर्डर जैसे फिनिश होता है तो आपके जो राइडर होता है, डिलीवरी बॉय होता है, उसका नंबर आपके पास आ जाता है और साथ ही में आपके पास रेस्टोरेंट का नंबर आ जाता है। सो आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट को कॉल करके, बहुत सारे जैसे मैं अगर मेरा कभी मूड होता है स्पाइसी खाने का, सो मान लीजिए मैंने पनीर रोल ऑर्डर किया, तो मैं पनीर रोल में बोल देता हूँ कि भैया थोड़ा सा स्पाइसी कर देना और या फिर चिली सॉस आप ऐड कर देना उसमें। सो इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो स्लाइटली मॉडिफिकेशन चाहते हैं अपने ऑर्डर में। अब आपके पास किचन तो नहीं है कि कस्टमर आपके पास आया और काउंटर पर उसने बोल दिया कि भैया मेरे फ्रेंच फ्राइज को एक्स्ट्रा कुक कर देना, मेरे बर्गर में ये डाल देना, चीज़ स्लाइस ऐड कर देना। सो मतलब वो तो खैर चीज़ स्लाइस का तो ऑप्शन आता है, बट काफ़ी सारी चीज़ों का ऑप्शन नहीं होता है जोमेटो में, स्विगी में, जो कस्टमर अलग से चाहता है। सो उसके लिए आप अवेलेबल रहिए और उसके लिए कॉल्स को रिसीव करिए, ताकि कस्टमर का ना एक फैमिली बिहेवियर रखिए। कस्टमर से बहुत पोलाइटली बात करिए, उनको समझाइए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, और नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वहाँ पे भी उसकी मार्केटिंग करिए कि सर नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे यहाँ से ऑर्डर करें सो हमारा चॉकोलावा केक ज़रूर ट्राई करिए, सर हमने नया लॉन्च किया है, या फिर हमारा सर चॉकलेट मूज केक ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा फ्लेवर देखने को मिलेगा, सर बाकियों से बहुत अलग है, इसमें हम स्पेशल क्रीम यूज़ करते हैं, इसमें हम स्पेशल चॉकलेट यूज़ करते हैं, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। सो अपने न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए, और कस्टमर आपके फिर रेस्टोरेंट को जानने लगता है। सो कस्टमर जैसे ही ओपन करेगा जोमेटो में देखेगा और आपको डायरेक्टली ऑर्डर करेगा, और जब आप कस्टमर की कॉल्स को रिसीव करते हैं ना, उनसे बात करते हैं ना, सो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता हूं और जब मैं कॉल करता हूं रेस्टोरेंट ऑनर्स ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करते, सो मैं दोबारा कभी उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करता हूं। सो ये चीज़ है, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो किसी और को भी पसंद नहीं आएगी, और जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है वो चीज़ किसी और के लिए भी अच्छी नहीं है। सो अपना एक सिद्धांत जरूर रखिएगा, फूड बिजनेस का एक गोल्डन रूल होता है, इफ़ इट इज़ नॉट राइट प्लीज़ डू नॉट सर्व इट। अगर कोई चीज़ सही नहीं है, आपको सही नहीं लग रही, तो उसको सर्व मत करो, डिस्कार्ड कर दो। आप वो वेस्टेज बियर कर सकते हो, बट आप वो कस्टमर अगर चला जाए तो वो बियर नहीं कर सकते, क्योंकि एक जाता हुआ कस्टमर 10 और को लेके जाता है। सो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, आपके लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, ना कि वो 100 रुपये 200 रुपये का प्रोडक्ट। इसके अलावा दोस्तों आप अपने क्लाउड किचन में ना एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखना। आइडली हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, और फर्स्ट एड बॉक्स में ना देखिए बहुत सारे, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेफ्स होते हैं, कभी सर दर्द हो रहा है तो वो अपना 100% आउटपुट नहीं देंगे, प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं आ पा रहा होगा, सो आप उनको मेडिसिन ऑफर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया एक्सपायर मेडिसिन, आप चेक करते रहो इन सब चीज़ों को यार। जब मैं अपने बिजनेस स्टार्ट करता था मैं फर्स्ट एड जरूर रखता था, क्योंकि कभी कुक का हाथ जल गया, कभी कुछ हो गया, कभी सर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, तो भैया मूव स्प्रे दो, क्योंकि यार आपको एटलीस्ट प्रोडक्शन तो लेना ही पड़ेगा यार उनसे, आप बिजनेस कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की जान जोखिम में डाल दो, उनसे मतलब अंधा काम करवाओ, नहीं, बट एटलीस्ट उनके वेलफेयर का ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा एज अ बिजनेस ओनर। सो आप उनको ये चीज़ें प्रोवाइड ज़रूर करो यार, और इसमें ये सब मत सोचो कि यार ये मेरा खर्चा हो रहा है, इसमें फर्स्ट एड रखने की क्या ज़रूरत है यार, वो अगर उनकी तबीयत खराब है तो खुद जाके मेडिसिन ले, ऐसा मत करो। ये अगर आप चाहो तो आप उनको डॉक्टर के पास दिखा के भी ला सकते हो, अगर आपका शेफ़ खुश है ना, और खुशी में बना हुआ खाना बहुत अच्छा खाना बनता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अपने शेफ से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मतलब डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको समझाओ, मोटिवेट रखो, उनके वेलफेयर का ध्यान रखो, दैट्स इट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आपका कोई कुक है और उसके साथ कोई हेल्पर है, या आपका कोई बड़ा क्लाउड किचन है जहाँ पर 7-8 लोग काम करते हैं, सो अगर कोई बंदा कोई चीज़ गलत करता है ना, उसको सबके सामने मत डांटना, कभी भी उसकी बेइज्जती किसी और के सामने मत करना, किसी तीसरे आदमी के सामने मत करना। और इस बात का दूसरा सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर आप उनको बाकियों के सामने डांट रहे हो,
कुछ भी गलत अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, सो बाकी स्टाफ भी ये सोचता है कि यार ये ऑनर बहुत बेकार है यार, यहाँ पर बस काम मतलब नाम के लिए करो, यहाँ पर अपना ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ये, और जब आपका ये स्टाफ ये सोच लेगा ना कि यार टाइम पास करो यहाँ पर यार, तो आपका काम आपके ऑपरेशंस में दिक्कत आएगी ही आएगी। सो इसलिए अगर किसी से कोई गलती होती है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उसको छोड़ दो आप और नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो, आप उनको लेकर जाओ। अगर आपके पास कोई अपना रूम है, जो आपका कोई सिटिंग एरिया है या आपका कोई ऑफिस है, वहाँ पर लेकर जाओ, उसको बिठाओ और उसको प्यार से समझाओ कि यार ये गलती आज हो गई, इस तरीके की रिपीट मिस्टेक मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत आती है। उसको उस गलती से होने वाली प्रॉब्लम्स को बताओ कि यार इस गलती से दिक्कत क्या आ रही है हमारे बिजनेस में, ये बहुत अच्छे से समझाओ। और अगर आप उसको समझाओगे ना बहुत तरीके से और प्यार से, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वो ना दोबारा वो मिस्टेक तो नहीं करेगा। अगर बहुत ज़्यादा ढीठ होगा तो कर सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं करता है। वो प्यार की भाषा लोग जल्दी समझते हैं बजाय गुस्से के और डांटने के। इसके अलावा दोस्तों CCTV ज़रूर लगाओ, क्योंकि CCTV का काम ये नहीं होता कि आप लोगों पर नज़र रख रहे हो, CCTV का काम ये भी होता है कि आपके जो स्टाफ है ना उसको भी ये पता होना चाहिए कि अगर आप स्टोर से बाहर हो तब भी यार हो सकता है कि आप अपने फ़ोन में CCTV चेक कर रहे हो, हो सकता है आप ही ऑफिस में बैठ के उसको चेक कर रहे हो। सो ना तो गलत काम होगा और ना ही वो प्रोडक्शन में कमी आएगी आपके, वो काम भी करते रहेंगे, लगे रहेंगे इन द सेंस। सो CCTV बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको फूड बिजनेस की नॉलेज नहीं है, सो स्टार्टिंग में एक कुक और एक हेल्पर, यानी कि एक शेफ़ और एक हेल्पर ज़रूर रख लो, और अपने मेन्यू प्रोडक्ट उनको बताओ, और जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाए और आपको लगता है कि हाँ आपका शेफ़, उससे ज़रूर पूछो, क्योंकि बहुत सारे शेफ़ क्या होते हैं, वो बहुत तेज़ होते हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि उनको क्या बनाना आता है, वो बस आपसे पूछेंगे कि सर आपको किस तरीके का मेन्यू बनवाना है, आप क्या क्या बनवाना चाहते हो। सो आप अपनी बात उनके सामने रखो कि आप क्या क्या उनसे बनवाना चाहते हो, उससे पहले ये पूछो कि आपकी महारत किस में है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, आप बेस्ट क्या बनाते हो, उनसे पहले पूछ लो स्टार्टिंग में जॉब पे रखने से पहले। और जब जॉब पे वो जॉब लेने आया ना आपसे शेफ़, तो वो अपनी सारी चीज़ें बताएगा आपको कि मैं ये भी बना लेता हूँ, मैं वो भी बना लेता हूँ ये, क्योंकि जब मैंने अपना शेफ़ हायर किया था तो मैंने उससे बोला कि आपका बेस्ट क्या है, आपका हाथ का जादू किस प्रोडक्ट में। सो उसने मेरे को बताया कि सर मैं ये चीज़ बहुत अच्छी बना लेता हूँ, मैं ये चीज़ बहुत अच्छी बना लेता हूँ, मेरा स्प्रिंग रोल अगर आपने खा लिया सो आप ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे, तो मैंने उससे पनीर स्प्रिंग रोल बना के देख लिया, एंड ट्रस्ट मी काफ़ी अच्छे थे। सो आप उनसे ज़रूर पूछो। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने मेरे को बोला कि सर मैं डोसा भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ, मैंने बनवा लिया। सो आप उनसे पहले ही पूछ लो, क्योंकि बाद में अगर आपको डोसा स्टार्ट करना पड़े तो वो ये ना बोले कि मेरे को नहीं आता भाई, क्योंकि उसको दिख रहा होगा कि यार मेरे पे लोड बहुत पड़ रहा है, और फिर जब आप उससे स्टार्ट करने के लिए बोलोगे कि यार हम सोच रहे हैं कि डोसा भी स्टार्ट करें, तो शेफ बोलेगा मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम जॉब पे ऑलरेडी है, वो बोलेगा डोसे के लिए अलग से बंदा ले आओ। सो उसमें आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, सो पहले ही पूछ लो ताकि वो आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। और उसके बाद जब आपका काम चलने लग जाए तो आप एक ऑर्डर टेकर भी रख सकते हो और अपने आप को पूरा ऑपरेशन फ्री कर सकते हो। आपको यहाँ पर ऑपरेशंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पर कुक के ऊपर सर पे नहीं खड़े रहना है, आपको पता है मेन काम क्या करना है, आपको मेन काम करना है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करोगे, आप एक क्लाउड किचन से 10 क्लाउड किचन कैसे करोगे। आपको दिमाग सिर्फ इस चीज़ में लगाना है, आपको ये चिंदी कामों में दिमाग नहीं लगाना है कि यार मेरा शेफ़ क्या कर रहा है, मेरा शेफ़ का हेल्पर क्या कर रहा है, वो बैठा क्यों है, उन चीज़ों के लिए मीटिंग रख लो यार, या फिर आप दिन के अंत में उन चीज़ों पे फोकस कर लो। आपने कैमरे में एक बार देख लिया क्या क्या गलत हो रहा है, या आपने जाते टाइम देख लिया, आप जब शिफ्ट हो रही है उनकी या ड्यूटी टाइम खत्म हो रहा है या ये शाम के टाइम में, आप बात कर लो कि यार ये चीज़ गलत हुई है, आज सेल बहुत ज़्यादा डाउन गई है, ये चीज़ बताओ उनको, तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको 3 से 4 एप्रन चाहिए होंगे, LPG कनेक्शन चाहिए होगा, इसके अलावा आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों किसी भी फूड बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल में हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, एंड रॉ मटेरियल को खरीदने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। सो स्टार्टिंग में आपको बड़े बड़े होलसेलर्स को पकड़ लेना है और उनसे इस तरीके से, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े होलसेलर होंगे ना उनके पास स्टाफ भी होता है। सो अगर आप उनसे बल्क में सामान खरीद रहे हो और एक कंटिन्यू इंटरवल्स पे खरीद रहे हो, आप 7 दिन बाद 8 दिन बाद या 2 दिन बाद एक बड़ा पैसा दे रहे हो उनको और बल्क में सामान खरीद रहे हो, सो वो क्या है आपको घर पे भी डिलीवर कर देते हैं, आपके क्लाउड किचन में भी डिलीवर कर देते हैं, आप बस उनको व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दो, वो भेज देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को, अपने रॉ मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है, ड्राई फूड, फ्रेश फूड और फ्रोजन फूड। अब ड्राई फूड में अगर आपका कोई खाना बनाने का काम है तो उसमें राइस हो गई, दाल हो गई, मसाले हो गए, आटा हो गए, मैदा हो गए, इसके अलावा भी जितने किराना का प्रोडक्ट्स होता है ड्राई फूड, वो सारा आ जाएगा। सो आप अपनी लिस्ट बना लो कि आपको ड्राई फूड क्या क्या चाहिए होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेश फूड की, तो आप अगर बिरयानी बना रहे हो तो चटनी आपको कौन सी चाहिए, आपको वेजिटेबल्स कौन सी चाहिए, तो फ्रेश फूड बेसिकली जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, नींबू हो गया, तो ये सारा फ्रेश फूड में, फ्रेश फूड में आप इनको सबको एंटर कर दो। इसके अलावा फ्रोज़न फूड में अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ रखते हो,
तो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज हो गई मकेन की, या किसी भी कंपनी की आप यूज करते हो गया। इसके अलावा दोस्तों फ्रोजन चिकन हो गया, फ्रोजन मटन हो गया, और भी जितने भी फ्रोजन फूड आप रख रहे हो वो सारे फूड की आपको लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट जो है ना वो आपका शेफ बनवा देगा, आप उसको अपने साथ बिठाओ और सारी चीज़ें उससे पूछ लो। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, आप क्लाउड किचन शुरू कर रहे हो या आप किसी भी तरीके का फूड बिजनेस शुरू कर रहे हो जिसके लिए आपको शेफ्स को हायर करना पड़ रहा है, आपको हेल्पर्स को हायर करना पड़ रहा है, आप ना उनके साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़ा कोई एग्रीमेंट करो, बस आप उनके साथ एक सिंपल एग्रीमेंट कर सकते हो कि आपको मैं इतनी तारीख से जॉब पर रख रहा हूँ, और अगर आप जॉब से रिज़ाइन करना चाहते हो या अगर आपको जॉब छोड़नी है सो आपको एक महीना, कम से कम एक महीना पहले मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और अगर आप एक महीना पहले इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो आपको एक महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। और अगर आप एक महीने की सैलरी ऑलरेडी ले चुके हो और आप इंस्टेंटली जॉब को छोड़ देते हो सो आपको दो महीने का पेमेंट करना पड़ेगा अपने सैलरी के बराबर। सो इस तरीके का दो महीने का या तीन महीने का आपको पेनल्टी तौर पे सैलरी, जितनी मैं आपको पे करता हूँ उतनी सैलरी पे करनी पड़ेगी ताकि मैं एक नया शेफ उस टाइम पर हायर कर सकूं, क्योंकि उस टाइम पर हो सकता है कि मेरा जो बिज़नेस ऑपरेशंस है वो बंद रहे। सो आप एक एग्रीमेंट ज़रूर से ज़रूर एटलीस्ट बनवा लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और वो सिंपल वे में आपको छोड़ने से पहले बताया कि सर मैं इतनी तारीख को छोड़ रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे एक महीने का टाइम आपको मिल जाएगा, उसमें आप दूसरा शेफ ढूंढ सकते हो। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो वो जब इज्जत के साथ नौकरी छोड़ के जा रहा है ना, सो आप इज्जत के साथ उसका पेमेंट भी पूरा दो, उसकी सैलरी पूरी दो, और उसको ये रिक्वेस्ट करो कि भाई तू तो जा रहा है यार, तेरी कम्युनिटी में तेरे कोई दोस्त यार होंगे जो काम करते होंगे तेरे साथ कभी पास्ट में तेरे साथ, सो अपने किसी ऐसे दोस्त को पूछ ले, अगर वो काम पे नहीं है जॉब पे नहीं है तो वो मैं यहाँ पर आ जाए। सो जो आपके शेफ़ होते हैं ना वो ऐसी कम्युनिटी के ही होते हैं कि उनके और बहुत सारे दोस्त होते हैं जो शेफ़ होते हैं, कुक होते हैं, कहीं कहीं काम कर रहे होते हैं, सो वो आपको डेफिनेटली बहुत ईजिली शेफ़ प्रोवाइड कर देगा। और ये शेफ़ ढूंढने का सबसे आसान तरीका है। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भैया हम शेफ़ कैसे ढूंढें, सो आपको कोई भी शेफ़ मिल रहे हैं या किसी भी रेस्टोरेंट को कोई शेफ़ है, किसी होटल का कोई शेफ़ है, आप उससे बात करो, वो अपना दोस्त कोई ना कोई डेफिनेटली उसके पास होगा जो खाली बैठा होगा, जो एक काम की तलाश में होगा, तो आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो, और आप चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े हैं बिज़नेस रिलेटेड तो आप वो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।